नमस्कार दोस्तों, इस सेशन में हम इंडियन पॉलिटी का वीकली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ये हमारा वीकली करंट अफेयर का शेड्यूल और ये हमारा जीएस की लाइव क्लासेस का शेड्यूल। शाम को 3 बजे से 5 बजे तक स्टेट पीसीएस की क्लासेस चलती हैं और शाम को 6 बजे से 8 बजे तक यूपीएससी की लाइव क्लासेस चलती हैं। आइए देख लेते हैं हमारा आज का एजेंडा क्या है। आज हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक होगा हमारा राष्ट्रपति का चुनाव। अभी ये हाल ही में 18 जुलाई को संपन्न हुआ है, इसके बारे में देखेंगे। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य भी इनको चुना गया है, 4 मनोनीत सदस्यों को, इनके बारे में देखेंगे। और नमसाई घोषणा क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने आज के पहले टॉपिक पे। हमारा आज का पहला टॉपिक है राष्ट्रपति का चुनाव। हम इसमें देखेंगे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल प्रणाली से किया जाता है। अभी निर्वाचक मंडल प्रणाली क्या है। निर्वाचक मंडल यह विधायकों और सांसदों का एक समूह होता है, विधायकों और सांसदों का एक समूह होता है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, उन्हें हम निर्वाचक मंडल कहते हैं। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। विधायक और सांसद मिला के निर्वाचक मंडल का निर्माण करते हैं। आइए देखते हैं राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हैं। इसमें हम सिर्फ चुनाव से संबंधित संवैधानिक प्रावधान देखेंगे और अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 54 से लेकर 58 तक राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति, देश का राष्ट्रपति चुनाव के द्वारा चुना जाएगा। यह कोई भी हेरार्की से नहीं होगा या वंशानुगत नहीं होगा, राजतंत्र नहीं होगा, यह गणतंत्र होगा। ऐसा अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति को जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। अनुच्छेद अभी चुनने की तो बात हो गई कि राष्ट्रपति को चुना जाएगा, अब अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी, यह अनुच्छेद 55 बताएगा। और अनुच्छेद 56 में जब राष्ट्रपति को चुन लिया गया तब उनका कार्यकाल डिसाइड किया गया कि राष्ट्रपति कितने साल के लिए चुना जाएगा। वैसे आपको बता दूं राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुने जाते हैं। फिर अगले अनुच्छेद 57 में एक कार्यकाल जब कंप्लीट हो गया उनका तो अब उसमें देखा जाएगा कि पुनर्निर्वाचन की पात्रता क्या होनी चाहिए, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता क्या होगी, यह अनुच्छेद 57 बताता है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति चुनाव की योग्यता के बारे में बताता है, जो कि कुछ योग्यताएं आई देख लेते हैं। जो भी इसके लिए राष्ट्रपति के लिए पद के लिए अप्लाई करते हैं वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उनकी एज कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का चुनाव लड़ने की पात्रता होनी चाहिए। आप इसमें ये ध्यान रखिएगा, लोकसभा का चुनाव लड़ने की पात्रता हो, ना कि राज्यसभा का चुनाव लड़ने की, ये ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी बातें एग्जाम में मिस कर देते हैं हम लोग। आइए देखते हैं राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कैसे होती है। प्रक्रिया के चरण में सबसे पहले नामांकन का प्रोसेस होती है और नामांकन के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। अगर ये 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक यानी कि टोटल 100 लोगों के हस्ताक्षर नहीं हैं तो ये नामांकन रद्द कर दिया जाएगा, जो कि अभी रद्द किया गया है कई लोगों के। अभी प्रस्तावक और अनुमोदक कौन होते हैं, जो निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होंगे वही प्रस्तावक और अनुमोदक हो सकते हैं। सीधा सीधा आप ये समझिए, जो मतदान में भागीदार होंगे, जो मतदान में भाग लेंगे वही प्रस्तावक और अनुमोदक बन सकते हैं। और एक मतदाता एक से अधिक उम्मीदवारों का अनुमोदक या प्रस्तावक नहीं बन सकता। एक मतदाता एक से अधिक उम्मीदवारों का अनुमोदक या प्रस्तावक नहीं बन सकता। आप इसको यही 2022 के चुनाव से देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि आपके चाचा विधायक हैं और वो द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावक बने हैं, तो वो द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावक बने हैं
वही आपके चाचा जाके यशवंत सिन्हा के भी प्रस्तावक नहीं बन सकते हैं, यह सिर्फ एक ही कैंडिडेट के प्रस्तावक या अनुमोदक बन सकते हैं। फिर दूसरा चरण होगा वोटिंग का, तो इसको हम 2022 की वोटिंग पैटर्न से देखेंगे कि इनका मत मूल्य क्या है। वोटिंग में एमपी और एमएलए भाग लेते हैं, सांसद और विधायक भाग लेते हैं, सांसद और विधायक ही भाग लेते हैं जो चुने गए होते हैं। नामित सांसद और नामित विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अब इस चुनाव में सांसद का मत मूल्य 700 निर्धारित किया गया। 2022 के चुनाव में एक सांसद के वोट की कीमत 700 लगाई गई है, वोट एक सांसद के वोट का मूल्य 700 लगाया गया। इसके पहले शायद 708 था। अब ये घट इसलिए गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग कर दी गई है, इस कारण से 8 मूल्य इनका डाउन हो गया है। तो एमपी यानी सांसद का मत मूल्य 7 है, 700 है 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में, ये याद रखना है। और विधायकों का मत मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, यूपी के जो विधायक होंगे उनका एक विधायक का मत मूल्य 208 होगा, और सिक्किम का जो विधायक होंगे उनका एक विधायक का मत मूल्य 7 होगा, सिर्फ 7। सिक्किम छोटा स्टेट है, यहाँ की जनसंख्या भी कम है, तो यहाँ के विधायकों का मत मूल्य भी कम होगा। जब वोटिंग हो जाएगी उसके बाद चलेगा गणना का दौर। अब गणना करने के बाद उसको विजयी घोषित किया जाएगा। तो विजयी घोषित करने के लिए इसमें जो लोकसभा का नॉर्मल चुनाव होता है, आम चुनाव होता है, उसके जैसा गणना नहीं की जाती है। इसमें टोटल मत मूल्य निकाल लिए जाते हैं, कितने मत पड़े हैं। मान लीजिए कि 5 लाख अगर मत मूल्य है, तो इसका बटे 2+1 50%, टोटल मत मूल्य का 50%+1 इतना होना आवश्यक है इसके चुनाव के लिए, ना कि जिसका सबसे ज़्यादा जिसे मत पड़े हों वो। लोकसभा के चुनाव में क्या होता है कि जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही जीता घोषित कर दिया जाता है, लेकिन इसमें एक कोटा डिसाइड किया जाता है जो कि 50%+1 का होता है। सभी वैध मतों का योग अपॉन 2+1। जब तक इतना कोई कैंडिडेट प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक उसे राष्ट्रपति का चुनाव जीता हुआ घोषित नहीं किया जाएगा। अब इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में दो महत्वपूर्ण पद्धतियां अपनाई गई हैं, एक है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एक है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आइए देख लेते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है क्या। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यह सांसदों का मत मूल्य अलग अलग बताता है। अनुपातिक मतलब सांसदों का मत मूल्य अलग होगा और अलग अलग राज्यों के विधायकों का मत मूल्य अलग होगा। अब इसमें टोटल सांसदों का मत मूल्य, यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, टोटल सांसदों का मत मूल्य कैलकुलेट करने पे निकलता है 5,43,200, और टोटल पूरे राज्यों के विधायकों का मत मूल्य कैलकुलेट करने पे निकलता है 5,43,231। लगभग 31 का अंतर आता है, इसको अप्रोक्सीमेट सेम ही मान सकते हैं। ये टर्मिनोलॉजी से स्पष्ट हो जाता है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली सांसदों और विधायकों का कुल मत मूल्य लगभग एक ही बराबर हो जाता है, तो यह अनुपात उनका बराबर बैठ जाता है। ये सांसदों का वेटेज अधिक नहीं रहता और ना ही विधायकों का बहुत ज़्यादा कम हो पाता है। इससे राज्यों का प्रतिनिधित्व और केंद्र का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति के चुनाव में लगभग बराबर माना जाता है। अब दूसरा टर्म है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति में क्या होता है कि मतदाता एक ही मत देता है, ऐसा नहीं कि बार बार मत देगा, एक ही मत देता है, लेकिन कई उम्मीदवारों को प्राथमिकता के आधार पर मत देता है। जैसे इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि आपके चाचा विधायक हैं, उन्होंने अपना बैलेट पेपर पे अपना मतदान दिया। फर्स्ट प्रेफरेंस में उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को दिया,
दूसरी प्रेफरेंस में उन्होंने यशवंत सिन्हा जी को दिया, तीसरी प्रेफरेंस में कोई और आया होगा, हालांकि सिर्फ दो ही कैंडिडेट हैं, बाकी लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है। एग्जाम्पल के लिए ऐसे प्रेफरेंस दिए हैं, जितने कैंडिडेट का एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो उनको नाम दिए जाएंगे कि इनका कैंडिडेट ये कैंडिडेट हैं, ये राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं, और आप उनको प्रेफरेंस वाइज दे सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। और राष्ट्रपति चुनाव के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप जारी नहीं किया जाता है, राष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप जारी नहीं किया जाता। व्हिप जारी करने पे क्या होता है कि सदस्य मजबूर हो जाता है अपनी पार्टी लाइन पे चलने के लिए, और राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी सदस्य किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को मतदान कर सकता है, क्योंकि इसमें गुप्त मतदान होता है, किसी पार्टी को कुछ नहीं पता चलता रिजल्ट के पहले कि किसने किसको वोट दिया। ये याद रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप जारी नहीं किया जाता, राष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप जारी नहीं किया जा सकता है। अब ये देखते हैं कि विधायकों के मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है, किसी राज्य के एक विधायक के वोट का मूल्य कैसे निकालेंगे। उसमें राज्य की कुल जनसंख्या देखेंगे, और वो देखेंगे हम 1971 के आधार पर, अभी 2022 या 2021 21 में तो जनगणना ही नहीं, अभी उसका रिजल्ट ही नहीं आया, जनगणना ही नहीं हुई। 1971 को बेसिस माना गया जनसंख्या का, उसके आधार पर राज्य की कुल जनसंख्या देखेंगे, और राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य, राज्य विधानसभा में कुल कितने सदस्य निर्वाचित हुए हैं उनसे डिवाइड कर दें, कुल जनसंख्या को कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से डिवाइड करके उसको 1000 से फिर से डिवाइड कर देंगे, राज्य के एक विधायक का मत मूल्य निकल आएगा, एक विधायक का मत मूल्य निकल आएगा। अब इसमें राज्य में मान लेते हैं 403 विधायक हैं, तो जितना विधायक का मत मूल्य मान लेते हैं एक्स आया, तो एक्स इंटू 403 कर देंगे तो उस राज्य के टोटल विधायकों का मत मूल्य आ जाएगा। अब पूरे देश भर में अगर 5000 विधायक हैं, मान लेते हैं अगर 5000 विधायक हैं, तो उनका इसी पद्धति से कैलकुलेशन करके उनका मत मूल्य आता है 5,43,231। जितने भी विधायक हैं उनका मत मूल्य, टोटल मत मूल्य आता है 5,43,231। अब इसी से सांसदों का मत मूल्य निर्धारित किया जाता है, एमएलए के वोटों का कुल मूल्य, एमएलए विधायकों के वोटों का कुल मूल्य अपान निर्वाचित सांसदों की संख्या। निर्वाचित सांसद जैसे मान लेते हैं कि 545 निर्वाचित सांसद हैं अगर, और एमएलए के वोटों का कुल मूल्य इतना है, और ये लोकसभा के सांसद हैं और राज्यसभा के भी कुछ सांसद मिला के 776 टोटल सांसद हो जाते हैं, तो सांसद का मत मूल्य कैलकुलेट करने पे 700 आता है। अब हम टोटल कुल सांसदों के मत मूल्य निकालेंगे तो कुल सांसद हमारे पास 776 हैं और एक सांसद का मत मूल्य 700 है, तो टोटल सांसदों का मत मूल्य आता है 5,43,200। ये राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें ध्यान देना जरूरी है। जो 2022 का राष्ट्रपति चुनाव हुआ है उसमें सांसदों का मत मूल्य 700 था, और जो उम्मीदवार को अनुमोदक और प्रस्तावक होंगे वो एक से अधिक उम्मीदवार के अनुमोदक या प्रस्तावक नहीं बन सकते हैं। और एक फैक्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप जारी नहीं किया जा सकता है। ये कुछ फैक्ट हैं, आप ध्यान दीजिएगा एग्जाम में एमसीक्यू बना के इन्हीं फैक्ट से क्वेश्चन आते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है राज्यसभा में मनोनीत सदस्य। अभी तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका से राज्यसभा के लिए 4 नए सदस्यों को मनोनीत किया गया है, 4 नए सदस्यों को मनोनीत किया गया है। ये मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के 245 सदस्यों में से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 83 के तहत मनोनीत सदस्यों को साहित्य, विज्ञान, कला आदि क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होना जरूरी होता है, तभी राष्ट्रपति उनको मनोनीत कर सकते हैं। एक मनोनीत सदस्य राज्यसभा का सदस्य होने के 6 माह के अंदर
किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है। ये मैंने आपको दल बदल वाले टॉपिक में भी बताया था, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। एक मनोनीत सदस्य राज्यसभा का सदस्य होने के 6 माह के अंदर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है। अगर वो 6 माह के अंदर राजनीतिक दल में शामिल हो रहा है तो उसकी सदस्यता रद्द नहीं की जाएगी, और अगर 6 माह बीत जाने के बाद पद ग्रहण के 6 माह बाद अगर करता है वो किसी दल में शामिल होता है तो इसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको माइंड पे रखिएगा। और राज्यसभा के सदस्य को राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। हमारा अगला टॉपिक है नमसाई घोषणा, नमसाई डिक्लेरेशन। ये भी न्यूज में क्यों है? क्योंकि असम और अरुणाचल प्रदेश सरकार ने आपसी सीमा विवाद सुलझाने के लिए नमसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। नमसाई घोषणा पत्र है क्या, ये कैसे अस्तित्व में आया? आप कई बार सुनते होंगे कि बहुत ज़्यादा अस्थिरता रहती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। ये है नॉर्थ ईस्ट स्टेट, कई जगह सीमा विवाद लगातार बने रहते हैं। इनका मुख्य रीजन है कि भौगोलिक स्थिति इनकी ऐसी है, पूर्वोत्तर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, यहाँ का उच्चावच, पहाड़, पर्वत, नदियाँ, इतनी ज़्यादा विषम परिस्थितियाँ हैं कि कई राज्यों के बीच सही से सीमांकन हो ही नहीं पाया। जैसे पहले अरुणाचल प्रदेश असम का ही पार्ट था, जब इनको अलग अलग राज्य बनाया गया तो इनके बीच में कुछ ये उच्चावच स्थितियों के कारण सही से रेखांकित नहीं किया जा सका, तो कुछ गांव असम क्लेम कर देता है, कभी कभी कुछ गांव अरुणाचल प्रदेश क्लेम कर देता है, जो कि एक सीमा विवाद का रूप ले चुके थे। ऐसे ही एक विवाद को हल करने के लिए असम और अरुणाचल सरकार ने एक समझौता किया जिसे नमसाई घोषणा के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखिएगा, नमसाई घोषणा असम और अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश की सरकार के बीच में किया गया है। इसमें आपको फंसा सकता है कि ये नमसाई घोषणा असम और मेघालय के बीच में है, असम मेघालय के बीच में है, या असम नागालैंड के बीच में है, इसमें से कुछ भी दे सकता है, कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग एग्जाम पे। इसको याद रखिएगा, नमसाई घोषणा असम और अरुणाचल प्रदेश से के बीच का एक समझौता है। इसको आप ए भी याद रख सकते हैं, असम अरुणाचल, आसे असम आसे अरुणाचल, और इसमें मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और कोई नहीं है। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में एक समझौता है नमसाई घोषणा, और इस समझौते के पहले 130 विवादित गांव थे, अब 86 गांव टोटल रह चुके हैं, शेष गांवों का समाधान निकाला जा चुका है। ये देख लेते हैं नमसाई का लोकेशन कहाँ है, ये अब यहाँ पे नमसाई अरुणाचल प्रदेश का एक कस्बा है नमसाई अरुणाचल प्रदेश में। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट एक सीमा विवाद हल किया गया है। इसमें नमसाई की लोकेशन पूछा जा सकता है, नमसाई अरुणाचल प्रदेश में है, ना कि असम में, असम में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में है। आज हमारे पास करंट अफेयर के इतने ही टॉपिक थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।